गुड मॉर्निंग यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम 11th क्लास की जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान में अधिकार, हमने अधिकारों के बारे में चर्चा की कि भारतीय संविधान में कौन से भाग के अंदर अधिकारों का उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अधिकार है जो अमेरिका से प्रेरित, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, और इनका उल्लेख है 12 से लेकर के और 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो अधिकारों से संबंधित हैं। और ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद में जो हमारे मूल अधिकारों की जो संख्या है वर्तमान में 6 है और मूल संविधान में 7 थी, जिसके अंदर से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भाग 4 के बारे में, जिसके अंदर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हमारा अध्याय है 2nd, भारतीय संविधान में अधिकार। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, सर्वप्रथम जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में इनका उल्लेख किया गया है, और कौन कौन से अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, कौन से देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान सभा ने या संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किया है या अपने संविधान में जोड़ा गया, किस देश के संविधान से लेकर के प्रेरित है हमारे नीति निर्देशक तत्व। और साथ ही साथ में हम नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है सरकार को, इन सब बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके जो मूलभूत जो मुख्य जो इसके अंदर जो बिंदु हैं वो रहेंगे आज हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। फिर आता है कि ये कहां से लिए गए हैं, ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं।
ये थी इसकी महत्वपूर्ण बातें कि नीति निर्देशक तत्व सर्वप्रथम कि हमने संविधान कौन से भाग में उल्लेख है, भाग चार में कौन से अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, 36 से 51 तक इनका वर्णन है। ये कौन से देश से लिए गए, आयरलैंड देश से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। अब बात आती है कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। ये हम साधारण तौर पे इनके क्या है नीति निर्देशक तत्व, सरकार के लिए आने वाले समय के लिए जो पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं, किसकी पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं, सरकार को इस प्रकार की नीतियां प्रेरित करने के लिए संविधान के अंदर इनको इसलिए जगह दी गई है नीति निर्देशक तत्वों को कि इन नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करते हुए और सरकारें हैं वो या राज्य है या सरकारें हैं वो अपना रूप है जन कल्याणकारी बना सके, जनहित का रूप बना सके और सबके साथ में समानता का व्यवहार कर सके। ये सभी अपने राज्य का रूप लोक कल्याणकारी बनाने हेतु संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में जिन नीतियों का उल्लेख किया गया है उन नीतियों को हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व है, कि जो सरकारें हैं वो इन नीतियों का अनुसरण करते हुए और जो सरकारें हैं वो राज्य का रूप किस प्रकार का बनाने का प्रयास करेंगी, जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी। क्योंकि हमारा संविधान निर्माताओं को इस बात का अच्छी तरह से मालूम था कि स्वतंत्र जैसे ही देश होगा उसके सामने अनेक चुनौतियां हमारे सामने आएंगी और जैसे चुनौतियों में हम कह सकते हैं जैसे संपूर्ण नागरिकों में समानता स्थापित करना, सबका कल्याण करना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों का जो समाधान है वो संविधान निर्माताओं को जिन नीतियों के अंदर दिखाई पड़ा वो नीतियां थी नीति निर्देशक तत्व कि इन नीति निर्देशक तत्वों को सरकारें ग्रहण करते हुए और इनके पथ प्रदर्शक के रूप में इनको काम में लेते हुए जो सरकारें हैं वो अपना जन कल्याणकारी रूप बना सकती हैं राज्य का। तो इसके अंदर जो संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य दो चुनौतियां आई थी, समानता को स्थापित करना और सबका कल्याण करना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां थी। और इन दोनों समस्याओं का हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे। तो दो समस्याएं कौन कौन सी थी, मुख्य समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जारी किए गए या संविधान निर्माताओं ने कुछ नीतियां बनाई, उन नीतियों को हम क्या कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो मुख्य समस्याएं क्या थी, एक तो समानता लाना नागरिकों में, समानता लाना एक तो ये थी, और दूसरी जो थी वो थी सबका कल्याण करना। इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्य समस्या ये थी, इन्हें शायद का समाधान हेतु, इन समस्याओं के समाधान हेतु कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे। इसी कारण संविधान निर्माताओं
ने संविधान में इन्हें नीतियों को समाविष्ट किया कि इन समस्याओं के हल करने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो सरकारें हैं इन नीतियों जो नीतियां थी इन नीति निर्देशक तत्वों की इन नीतियों का अनुसरण करते हुए और जो सरकारें थी अपना रूप या राज्य का रूप जन कल्याणकारी बना सकें, सब में समानता स्थापित कर सके। इस कारण से जिन नीतियों को संविधान के अंदर जगह दी गई उनको हम क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से जो इन नीति निर्देशक तत्वों को समाविष्ट तो कर दिया लेकिन इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये संविधान के अंदर व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है क्योंकि इनके उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं और जबकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सार रूप में क्या कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं जबकि ये वाद योग्य नहीं हैं। कहने का मतलब हम संविधान निर्माताओं ने जो सरकारों को कुछ निर्देश दिए या निर्देशित किए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाने के लिए जिससे सरकारों का रूप है वो कैसा बन जाए, सबका कल्याण करने वाला बन जाए, सभी सरकारें इन नीतियों को लागू करते हुए या नीतियों का अपनाते हुए क्या कर सकती हैं, सभी नागरिकों में समानता स्थापित कर सके, इस प्रकार से राज्य का रूप कल्याणकारी बनाने हेतु संविधान निर्माताओं ने जिन नीतियों को संविधान के अंदर समाविष्ट किया उन नीतियों को हम क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के अंतर्गत वाद योग्य नहीं बनाया गया, कहने का मतलब न्यायालय की शरण में हम नहीं जा सकते, सरकार को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि किसी नीति निर्देशक तत्व की पालना के लिए सरकार को बाध्यकारी नहीं बना सकते हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं इनको वाद योग्य बनाया गया है, यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस कारण से हम मौलिक अधिकारों को वाद योग्य कह सकते हैं जबकि मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से देखो नीति निर्देशक तत्व है का समावेश तो कर दिया गया संविधान के अंदर लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर उसकी मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू करवाने के लिए न्यायालय सरकार को आदेशित करे, ऐसा नहीं हो सकता है। किसके लिए, नीति निर्देशक तत्वों के लिए। इसलिए कहा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। किसको, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति है। तो इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व क्या है भाई, नीति निर्देशक तत्व के पीछे नैतिक शक्ति है, नैतिक
शक्ति है। तो इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व क्या है भाई? नैतिक है। इनके पीछे कौन सी शक्ति लगी हुई है? नैतिक शक्ति लगी हुई है। जबकि मौलिक अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार से नैतिक शक्ति है, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति है। और यह शक्ति ही कौन सी है? नैतिक शक्ति सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को बहुत गंभीरता से ले और उनको लागू करे, जिससे जिससे राज्य का रूप जन कल्याणकारी बन सके। तो इस प्रकार से संविधान के अंदर इस प्रकार की जो नीतियों की एक सूची बनाई गई, उस सूची को ही हम क्या कह सकते हैं? नीति निर्देशक तत्व। संविधान निर्माताओं ने संविधान में जिस एक नीतियों की एक सूची बना दी, उस सूची के पीछे लक्ष्य यह था कि जो आने वाली सरकारें हैं वो उन नीतियों को अपनाते हुए और सरकार का रूप कल्याणकारी और राज्य का रूप कल्याणकारी बना सकें और जनता के जनहितकारी कल्याणकारी या कार्य कर सकें। इस सूची को हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है कि इसे जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको देखेंगे तो हम संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा कि यदि हम नीति निर्देशक तत्वों को हम गहराई से देखें तो वो किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे संविधान निर्माता, ये हमारे को दिखाई पड़ता है। तो समय समय पे सरकारों ने जो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों को सरकारों ने समय समय पर लागू करने का प्रयास किया है। जैसे किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों का समय समय पर सरकार ने नीतियों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे कुछ उदाहरण हैं उसके, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया तो उसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही इस कानून को बनाया गया था कि जमींदारी उन्मूलन कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उन्नयन हेतु आरक्षण आदि, ये सारे के सारे जो प्रयास हैं, ये इन प्रयासों के पीछे नीति निर्देशक तत्व हमारे को स्पष्ट दिखाई देते हैं
कि जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था सरकार के द्वारा, उस सरकार ने जो जमींदारी उन्मूलन कानून ये था कि जो जमींदार थे वो भूमि के स्वामी होते थे, ऐसी स्थिति में सरकार ने जनहित को देखते हुए ये कानून बनाया गया कि जो कृषक जिस जमीन के ऊपर खेती कर रहा है उसको उस जमीन का मालिकाना हक प्रदान करना, जिससे संपूर्ण जनता का हित हो, कल्याणकारी हो और वो किसी के दबाव में आकर के किसी प्रकार का उसका शोषण न हो। और इस प्रकार से जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया, नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होकर के सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फैक्ट्री अधिनियम किया गया, न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया गया। इन नीति निर्देशक तत्वों की बदौलत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करती आती है सरकार, अभी भी कर रही है, और अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिए कुछ उनको आरक्षण प्रदान किया गया। ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो इन कार्यों के पीछे करने के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य था कि जनहितकारी या जनता का भला हो, जो राज्य का रूप वो कल्याणकारी बन जाए। इन सब के पीछे जो जिस भावना से प्रेरित होते हैं वो भावना कौन सी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अच्छी अच्छी नीतियाँ जो है सरकारों को नीतियों को निर्देशित करने के लिए, नीतियों अच्छी अच्छी जो जनकल्याणकारी नीतियाँ उन नीतियों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। किनको? सरकारों को। इसी के साथ में इनको और कुछ क्षेत्र और हैं उनके अंदर भी लागू करने के प्रयास किए गए, जैसे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के अंदर सभी लोगों को शिक्षा मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की नीतियाँ कौन सरकार बनाती है कि जिससे सबको, प्रत्येक वर्ग को शिक्षा, कोई वंचित न हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों की देन है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, और स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करना, भोजन की योजना, ये सारी के सारे कार्य करने के पीछे जिनका मेन योगदान रहा है वो है नीति निर्देशक तत्व। इन नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित होकर के ही सरकार ने ये संपूर्ण कार्यों को संपादित किया है। उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा की कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, किस प्रकार के हैं, और कल हम जो चर्चा करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके और मौलिक अधिकारों के मध्य क्या संबंध है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।